डू एवरीथिंग इन फेथ, गॉड विल वर्क ऑन फेथ। ईश्वर आपको हर चीज किस आधार पे देता है? फेथ के आधार पे ही देता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको फेथ को कैसे आप पहचानोगे कि आपके अंदर वो है या नहीं, उसको कैसे फील करोगे, उसको कैसे अपने जीवन में यूज करोगे, कैसे फेथ को इंक्रीज करोगे और कैसे उसके कारण आप पॉजिटिव लाइफ जी सकते हो, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो पैसा हो, हेल्थ हो, जॉब हो, बिजनेस हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो आपकी, आप कैसा महसूस करना चाहते हो, वो हो कुछ भी चीज़ हो, उसको आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने बड़े बड़े बिग इम्पॉसिबल ड्रीम को भी मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो, उसका बेस भी फेथ होता है। फेथ इज़ अ मैजिक वर्ड, तो उसको कैसे यूज़ करना चाहिए हमको और उसके पावर के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊँगी। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील फेथ इनसाइड यू, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। ईश्वर ने हमको ये गॉड गिफ्ट, ईश्वर ने हमको ये गिफ्ट दी है, हम उसको यूज़ नहीं करते हैं और हम निगेटिविटी में फेथ करते हैं, पॉजिटिविटी में फेथ नहीं करते हैं, लॉजिक ज़्यादा सोचते हैं हम, मैजिक ज़्यादा नहीं सोचते। तो आज के वीडियो के एंड में आप उसके जादू को महसूस करने लगोगे अपने जीवन में, अगर इसको आपने ध्यान से सुन लिया तो। By the way, I am Dr. Vandana Saraf, MD Ayurved in Medicine and I am Associate Professor in Government Ayurved College and मैं अभी पिछले 2 साल से Law of Attraction, Self Improvement के वीडियो अपलोड कर रही हूँ and now अभी 3-4 महीने पहले ही मैं सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन वेल्थ मास्टर वेल्थ क्रिएटर कोच का सर्टिफिकेट मैंने किया और अभी मैं मास्टर मैनिफेस्टर की कुछ कोचिंग्स या मैनिफेस्टेशन की ट्रेनिंग लेती हूँ और इस वीडियो में मैं आपको ये सीक्रेट बताने वाली हूँ कि कैसे आप हर वो चीज़ अपने जीवन में पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो और अपोजिट क्यों आपके जीवन में आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फेथ। फेथ इज़ अ मैजिक वर्ड, फेथ हैज़ पावर। जैसे थैंक यू या ग्रेटिट्यूड में पावर है ना, वैसे ही फेथ में पावर है। अभी आपको क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें हम फेथ तो क्रिएट करते हैं। मान लो मैंने इमेजिनेशन किया या मेरा गोल है या मैनिफेस्टेशन का कि 5 लाख रुपीस पर मंथ अर्न कर रहा हूँ, तो आपको उस पर डाउट है, आप डिजर्विंग की फीलिंग नहीं क्रिएट करते हो, आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं कर पाते हो, उसके अकॉर्डिंगली सोच नहीं पाते हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बच्चे अभी परेशान कर रहे हैं बट दे आर प्लेइंग, इट्स ओके, तो प्लीज forgive me for this voice disturbance, but very very important चीज़ होने वाली, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए कि हम उन चीज़ों पे तो भरोसा करते हैं जो negative है, जैसे कि हमें फियर पे बहुत ज़्यादा मतलब फेथ रहता है, अरे डाउट पे बहुत ज़्यादा हमको फेथ रहता है, या वर्स्ट केस सिनेरियो उस पे भी हमें बहुत भरोसा रहता है, फेथ रहता है, पर हमें एक्सट्रीमली पावरफुल चीज़ें हमारे जीवन में पॉजिटिवली अच्छी होंगी उस पर हमें भरोसा नहीं रहता, क्योंकि वो दिखता नहीं है। इम्पॉसिबल चीज़ें जो है वो इनविजिबल चीज़ें जो हमको दिख नहीं रहती, दिखती नहीं है, उस पर हमारा फेथ हमेशा डगमगाता रहता है, इसकी वजह से ही काम नहीं होते हैं। क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन भी ये बताई है, सक्सेस जो है, जो सफलता है ना, विश्वास पे किया हुआ एक्शन है, या वो आपके विश्वास को जो व्यक्त करता है वो एक्शन सफलता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति सफल हुआ है तो उसके पीछे उसके विश्वास ने एक्ट किया है, विश्वास ने ही उसको सफल बनाया है। कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर व्यक्ति, हमको लगता है हमें विश्वास नहीं है कि ये काम होगा या नहीं, हम बहुत सारे काम हम इसी ड्यूअलिटी में डबल माइंडेड होके करते हैं और कुछ अच्छे होते हैं कुछ नहीं होते। जिस पे हमारा पावर नेगेटिविटी पे ज़्यादा जाता है तो वो नेगेटिव आउटकम आता है, और जहाँ हमारा पॉजिटिविटी पे जाता है तो पॉजिटिव आउटकम आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि आज से फेथ आप उसी से ही सराउंडेड हो, कोई ये नई चीज़ नहीं है। आप देखिए, आप मान लो हर दिन ट्रैवल कर रहे हो, आप उबर को या कोई भी रिक्शा ड्राइवर किसी को भी आप हायर करते हो, तो उसके साथ आप कई बार अकेले भी ट्रैवल करते हो, तो क्या फेथ है ये? फेथ के अकॉर्डिंगली ही तो आप, फेथ रख के ही तो ट्रैवल करते हो,
तो फेथ जब हम उसमें रख सकते हैं, तो हम अपने बड़े ड्रीम में क्यों नहीं फेथ रख सकते कि हाँ अब मैंने ये काम कर लिया है, नाउ इट विल हैपन टू मी श्योरली। और जब वो उस पर हमारा अधिक विश्वास रहता, अनशेकेबल फेथ रहता है, तो वो मैनिफेस्ट होने से कोई, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि गॉड विल वर्क ऑन फेथ। ईश्वर भरोसे पे ही काम करता है, और आपकी सफलता भी भरोसे के काम से ही होती है। आप कोई भी काम करते हो, कोई नया बिजनेस कोई भी व्यक्ति शुरू करता है, तो उसको भरोसा रहता है कि ये काम करेगा। और जहाँ अगर उसका भरोसा डगमगाया या डाउट रहा, फियर रहा, तो वो बिजनेस फेल हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फेथ के अकॉर्डिंगली हर चीज़ काम करना है। और हम उससे सराउंडेड रहते हैं, बस उसको हम पॉजिटिवली यूज़ नहीं करते हैं। और सेकंड चीज़ ये है, फेथ की ना एक फीलिंग होती है, अगर आप उसको सिंसियरली फील कर पा रहे हो ना फेथ की, तो आप एक वाइब्रेशन रहता है, एक हाई एनर्जी रहती है कि हाँ यस आई कैन हैव इट, आई डिजर्व इट। और इसको आप फील करोगे, इसको वाइब्रेट, बॉडी आपकी वाइब्रेट करती है फेथ में। तो आप मेडिटेशन में जब ये सब विजुलाइजेशन करते हो, तब आप देखिए कि अगर आपको भरोसा है तो आपकी बॉडी भी वाइब्रेट करती है। एम्बॉडी द फेथ, फेथ को। और तीसरी चीज़ ये भी कर सकते हो, फेथ को इंक्रीज करने के लिए दो उपाय बताए हैं। एक तो गॉड के वर्ड को सुनना, मतलब जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथों में लिखा हुआ है, जितने जो एनलाइटन पर्सन हैं, जिन्होंने बहुत सक्सेस भी हासिल की, उन लोगों ने जो भी हमको मैसेजेस दिए हैं, उनको सुनना चाहिए, उनको एम्बॉडी करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो फेथ इंक्रीज होता है, फेथ इज़ इंक्रीजिंग बाय हियरिंग गॉड्स वर्ड। गॉड के मैसेजेस को सुनना चाहिए, और ये बाहरी लोगों के भी सुन सकते हो। दूसरा, आप इंट्यूशन मेडिटेशन करोगे, एकदम शांत रहोगे, फिजिकल वर्ल्ड से अपनी अटेंशन को हटा के खुद पे, आत्मा पे, अपनी स्पिरिट पे ध्यान दोगे, तो धीरे धीरे कुछ आपको इंटेंशंस आते, कुछ गट फीलिंग आती, कुछ मैसेजेस आपको सुनाई देते हैं, तो वो भी गॉड के मैसेज होते हैं। उसके थ्रू ही आप में एक अनशेकेबल फेथ आता है कि हाँ ये काम करो, या कोई एक खास समय पे आएगा कि अभी कर दो, और जैसे ही आपने वो किया, आप देखो टॉप पे कई बार वो चीज़ पहुंच जाती है। तो ये सारी चीज़ें, गॉड इज़ वर्किंग विथ यू या वर्किंग इन यू, गॉड हमारे अंदर है, वो काम कर रहा होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे फेथ को एम्पावर करती हैं। दूसरी चीज़ जो है, जो आपको करनी है फेथ को इम्प्रूव करने के लिए, फेथ वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लीजिए आप। जैसे मान लो आप कोई सी वॉच पहनते हो, तो उस वॉच को आप बना लीजिए। जैसे मैंने मान लो ये ब्रेसलेट पहनी, तो इसको फेथ ब्रेसलेट बना सकते हो आप। उसको सोच सकते हो, बोल सकते हो, बस केवल ये मेंटली ही करना है कि जब भी मैं इसको पहनूंगा तो फेथ रहेगा। या शूज़ को भी आप फेथ शूज़ बोल सकते हो कि मैं जब भी ये जूते पहनता हूँ तो ये विश्वास वाले जूते हैं, फेथ शूज़। और जब भी आपने वो पहना, फिर आप जो भी काम के लिए निकले, जहाँ भी गए, उसमें आपको भरोसा है कि ये पूरा होगा ही होगा, ऐसा अनशेकेबल फेथ। तो फेथ के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो कि दिस इज़ माय फेथ वॉच, दिस इज़ माय फेथ शूज़। और ये सब चीज़ें ईश्वर के जो सुप्रीम पावर है, गॉड का जो पावर है, उसको रिमाइंड करने के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ें होती हैं। यस माय डियर फ्रेंड, एंड फेथ जब रहता है ना, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, डू नथिंग। जब आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, आपके विज़न गोल सब कुछ है, आपको मालूम है, पर आपको एक्शन नहीं लेना, अगर आपको इच्छा नहीं हो रही, तो उस समय कुछ एक्शन मत लीजिए, बस रियलाइज़ कीजिए, लेट गो कंट्रोल। वो सिचुएशन प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए, बस वो है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग क्रिएट करना चाहिए, साथ में उसको जो एक्शन लेना है ना, कभी भी डाउटफुल फियरफुल में कोई एक्शन मत लीजिए, कुछ मत कीजिए, डू नथिंग, जस्ट बी फेथ फेथफुल। सिर्फ विश्वास रखना है आपको, और फेथ रखने के लिए आपको केवल इनर फीलिंग की ज़रूरत होनी चाहिए, ईश्वर से कनेक्ट होने की ज़रूरत होनी चाहिए, इसके अलावा आपको एक्शन की भी ज़रूरत नहीं रहती, नो नीड टू टेक एक्शन। और ऑलवेज चूज टू हैव फेथ, ये डिसीज़न है, ये आज ही डिसीज़न लीजिए कि आई हैव टू चूज फेथ, मैं अपने सारे ड्रीम्स में, डिज़ायर्स में, हर चीज़ में फेथ रखूँगा। और फिर देखिए हर चीज़ कैसे चमत्कार की तरह आपके जीवन में आती है। यस माय डियर फ्रेंड, फेथ इज़ अ सुप्रीम पावर, फेथ इज़ वेरी वेरी पावरफुल थिंग।
तो आज से ही ईश्वर के दिए हुए इस गिफ्ट को यूज़ करना शुरू कीजिए। ये दो तीन तरीके जो मैंने बताए हैं आपको, उसमें जो भी तरीका पसंद आया हो, जैसे फेथ ब्रेसलेट, फेथ शूज़ या फेथ क्लोथ्स, आप जो भी बनाना चाहो वो लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। दूसरी बात, फेथ को आई वॉक इन फेथ ये भी लिख सकते हो, आई ट्रस्ट ऑन गॉड, ये सब कुछ कमेंट में लिखिए। क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप अपने दिमाग में वो इंस्ट्रक्शन डालते हो, जो भी हम यहाँ डालते हैं ना वही हमारा आउटर वर्ल्ड की रियलिटी बनती है। यस माय डियर फ्रेंड, जिस चीज़ को हम यहाँ होल्ड करते हैं उसको हम यहाँ होल्ड करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा मैनिफेस्टेशन कराने में। जल्दी से जल्दी मैनिफेस्टेशन होंगे और हम मिलेंगे अब कल की वीडियो में। तब तक भी